जाहिद खान भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इवेंट्स में तशरीफ ले आए, और याद दिला के ये साबित किया कि वो जो माएँ जिनके बच्चे शहीद हो चुके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशी हुसैन के एच वीलॉग्स की तरफ से, और हम कायदाबाद आए हुए हैं डीसी ऑफिस के बराबर में कायदाबाद चौक पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन वॉइस चेयरमैन हमारे साथ हैं, जो हमें बताएंगे कि ये जो इवेंट है, इन्होंने वैसे तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि ये जो APS के जो शोधा हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये इन्होंने मुनक़द किया है, लेकिन इसके बारे में ये अपनी क्या राय और इनका क्या इजहार ख्याल है इस बारे में, तो ये हमें बताएंगे। मैं इमरान शाहिद, वाइस चेयरमैन ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले मैं KH Vloggers और SM Vloggers आप लोगों की टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, और अब मीडिया के थ्रू हमारा पैगाम पूरी दुनिया में आप इसको पेश करें। आपकी काविशों का और आपके आने का बहुत शुक्रिया, और हम आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। सानिया APS आर्मी पब्लिक स्कूल, 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन दिन था। ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले तमाम गाजियों को, शोदा को और उनसे जुड़े हुए तमाम रिश्तों को, नन्हे मासूम बच्चों को और इनके तमाम रिश्तों को दिल की गहराई से सलाम अकीदत पेश करती है। ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की एक ऐसी NGO है जो पाकिस्तान में ना सिर्फ प्रोटेक्ट और प्रोटेस्ट करती है, बल्कि ऐसे सम काइंड ऑफ वेलफेयर के काम, एजुकेशन, हेल्थ और सम काइंड अदर चीज़ें जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर नागानी आफात, जलजले, सैलाब और जहाँ कहीं हम देखते हैं कि पाकिस्तानी आवाम को ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान और हमारी टीम की ज़रूरत है, हम अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। सानिया है 16 दिसंबर, इसके बारे में मैं अपने एहसास और जज्बात का अंदाज़ किस का बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं दिल से इसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये वो दिन था कि जब हमेशा हमने, आपने देखा होगा कि हमने जनाजों के ऊपर हमेशा फूल रखे, लेकिन ये वो दिन था जब हमने फूलों के जनाजे उठाए। नन्हे मासूम बच्चे जो सुबह उठे, अच्छे उन्होंने कपड़े पहने, यूनिफॉर्म पहने, दिल की तैयारी करके स्कूल गए, लेकिन जब वो वापस आए तो उनकी कफन में लिपटी हुई लाशें उनकी माओं ने वसूल की है। आप इस दर्द को आप कैसे बर्दाश्त करेंगे और कैसे देखेंगे, इसको मैं अपने जज्बात के अंदर मैं इसको बयान नहीं कर सकता। और आप हमारे दुश्मन की दलेरी, बहादुरी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो, हमारी आवाज़, हमारे बड़ों से क्या लड़ेंगे, मासूम बच्चों से लड़ता है, उन तक से लड़ता है, तो आप उनकी इसको बुजदली कहें और कम हिम्मती, कम अकली कहें, लेकिन हमारे बच्चे फिर भी ये इम्तहान पैगाम देते हैं कि हमने अपने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। बहुत शुक्रिया आपकी टीम का कि आप यहाँ पर आए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।